हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ एकता एंड माय यूट्यूब चैनल इज स्टडी विद मी। सो आज हम डिस्कस करने वाले हैं वीडियो नंबर 3, 10th क्लास साइंस चैप्टर नंबर 8, हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस। इसका वीडियो नंबर 3 है। इसमें हम डिस्कस करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स, एंड एनिमल्स में भी हम स्पेसिफिकेशन किस में करेंगे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स। ठीक है, तो इसको डिस्कस आज हम इस वीडियो में करेंगे। एंड इससे जो प्रीवियस लेक्चर था उसमें हमने डिस्कस किया था सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या डिफरेंसेस है। एंड उससे प्रीवियस इट मीन्स जो फर्स्ट वीडियो था उसमें हमने सिर्फ इंट्रोडक्टरी लेक्चर ही रखा था। ठीक है, तो आज शुरू करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स। तो आप सभी जानते हैं कि जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो उसमें टू पेरेंट्स होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भी टू पेरेंट्स होंगे, मेल एंड फीमेल। ठीक है, टू पेरेंट्स होते हैं, मेल एंड फीमेल। तो देखिए, मेल के एंड फीमेल के जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं उनको कलेक्टिवली हम बोलते हैं गोनाड्स। ठीक है, मेल एंड फीमेल के जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं उनको हम कलेक्टिवली क्या बोलते हैं, गोनाड्स। ठीक है, अब जो देखिए मेल गोनाड होता है, मेल गोनाड, उसको हम बोल देते हैं टेस्टिस। एंड इसी तरीके से जो फीमेल गोनाड होता है, फीमेल गोनाड, उनको हम बोलते हैं ओवरीज। ठीक है, अब ये जो गोनाड होते हैं ये क्या करते हैं, ये रिप्रोडक्टिव जो सेल होती है, ठीक है, जो सेल होती है उसको रिप्रोड्यूस करते हैं, इसको प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, टेस्टिस किसको फॉर्म करते हैं, स्पर्म को। स्पर्म का फॉर्मेशन होता है, एंड ओवरी से किसका फॉर्मेशन होता है, ओवम का, या फिर हम बोल सकते हैं एग, इनका फॉर्मेशन होता है। जब ये दोनों फ्यूज कर जाते हैं, ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि जो टेस्टिस होती हैं वो मेल गैमेट को फॉर्म करती हैं, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, स्पर्म। क्या है ये, मेल गैमेट। ठीक है, मेल गैमेट है स्पर्म, एंड फीमेल गैमेट, होता है ओवम। ठीक है, ये दोनों ही कैसे होते हैं, स्पर्म एंड ओवम दोनों ही हैप्लोइड होते हैं, जिसको मैं एन से लिख रही हूँ। ठीक है, ये दोनों ही क्या है, हैप्लोइड हैं। अब ये दोनों का जो फ्यूजन होता है, इन दोनों का जो फ्यूजन होता है, तो इस प्रोसेस को हम बोल रहे हैं फर्टिलाइजेशन। ठीक है, फर्टिलाइजेशन, इसके इसका जो रिजल्ट होगा फर्टिलाइजेशन का, वो क्या होगा, जाइगोट। ठीक है, इन दोनों के फ्यूजन से जायगोट बनेगा, जो कि क्या होगा, डिप्लोइड, जिसको मैं 2n से लिख रही हूँ। क्या होगा, डिप्लोइड। ये दोनों हैप्लोइड हैप्लोइड है, इन दोनों के फ्यूजन से जायगोट बनेगा, जो कि क्या होगा, डिप्लोइड होगा। ठीक है, ये होता है इनका फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस। आगे जो जायगोट है वो एम्ब्रियो में चेंज हो जाता है, एम्ब्रियो फीटस, एंड उसके बाद बेबी बोन होता है। ठीक है, तो इस प्रोसेस को, इस कंप्लीट प्रोसेस को हम पढ़ने वाले हैं। और यहाँ जो एग फॉर्म हुआ है उसके भी टू फेज होते हैं, इसका मतलब जो एग जो रिप्रोड्यूस हुआ है, प्रोड्यूस हुआ है ओवरीज में, जो फीमेल गैमेट है उसकी भी दो किस्मत होती हैं, टू फेज होते हैं। एक तो वो फर्टिलाइज कर जाए, ठीक है, और दूसरा क्या है कि वो फर्टिलाइज ना करे, तो उसका क्या होगा, ये जो ओवम है उसका क्या होगा, वो डिग्रेड हो जाएगा, या फिर हम बोल सकते हैं डेड हो जाएगा, एंड मेंस्ट्रुएशन के थ्रू वो बॉडी से बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो इसके दो फेट होते हैं, फर्टिलाइजेशन, अगर इसके अंदर फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो बेबी बोन हो जाता है, इट मीन्स जायगोट में फॉर्म हो जाएगा ये, एंड अगर इसका फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो क्या होगा, मेंस्ट्रुएशन के साथ ही ये बॉडी से बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो ये सब हमें पढ़ना है। तो सबसे पहले हमें क्या देखना होगा, पहले हम स्टडी करेंगे कि मेल
रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या है, कि कौन कौन से वो ऑर्गन्स हैं जो मिलके कंप्लीट मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को बनाते हैं, इसी तरीके से कौन कौन से वो ऑर्गन्स हैं जो कि मिलके साथ में किसको बनाते हैं, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को बनाती हैं, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ेंगे फर्टिलाइजेशन। तो ये है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इसमें हम इनके सभी जो ऑर्गन्स हैं जो कंप्लीट सिस्टम को बना रही हैं उन सबको हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आपको इनकी नेमिंग जो है लेबलिंग वो पता होनी चाहिए, डायग्राम को ड्रॉ करना आना चाहिए। अगर नहीं आता है ड्रॉ करना तो ये जो लिंक दी हुई है आई बटन में उसको क्लिक करके चेक कर लीजिए, ठीक है। बहुत ही ईजी वे में मैंने इसको ड्रॉ करना सिखाया है, आप उसको ड्रॉ कर सकते हैं। तो चलिए हम बात करते हैं। तो ये कंप्लीट जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है इसमें हम सबसे पहले बात करते हैं जो कि ऑर्गन होता है मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, ठीक है, जो कि क्या है टेस्टिस। ये जो ओवल शेप आपको दिखाई दे रहा है ये है टेस्टिस, इसके अंदर ही स्पर्म फॉर्मेशन होता है जिसको हम बोलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस का मतलब है फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म। ये फैसिलिटेट किया जाता है बाय टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। इस हार्मोन की हेल्प से टेस्टिस के अंदर स्पर्म फॉर्मेशन होता है जिसको हम बोलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस, ठीक है। अब जो ये जो पाउच लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, ये जो टेस्टिस हैं इस पाउच लाइक स्ट्रक्चर के अंदर ही लटकी हुई हैं। तो अब माइंड में एक क्वेश्चन ये आता है कि जो ये स्क्रोटम है जिसको हम स्क्रोटम बोलते हैं, ये जो पाउच लाइक स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है ये, इसको हम स्क्रोटम बोलते हैं। तो अब क्वेश्चन ये है कि ये जो टेस्टिस हैं ये हमारी बॉडी से बाहर क्यों होती है। जो ह्यूमन बॉडी होती है, बॉडी जो एब्डोमिनल कैविटी होती है, लोअर एब्डोमिनल कैविटी, उससे बाहर क्यों होती है, बॉडी के अंदर क्यों नहीं होती है टेस्टिस। तो उसका रीज़न यही है क्योंकि हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर होता है वो 37 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है, 37 होता है। लेकिन स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए, स्पर्म फॉर्मेशन के लिए जो टेम्परेचर रिक्वायरमेंट होती है वो इससे 2-3 डिग्री सेल्सियस लेस टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। अगर इससे लेस टेम्परेचर होगा, इट मीन्स जो हमारी बॉडी है उससे लेस टेम्परेचर होगा 2-3 डिग्री सेल्सियस, तभी स्पर्मेटोजेनेसिस होगी, तभी स्पर्म फॉर्मेशन होंगे, ठीक है। तो स्पर्म के फॉर्मेशन के लिए ज़रूरी है कि ये बॉडी से बाहर रहे, ठीक है। अगर अंदर रहता है बॉडी के अंदर, जो एब्डोमिनल हमारी कैविटी है, लोअर एब्डोमिनल कैविटी, उसके अंदर अगर ये टेस्टिस प्रेजेंट होंगे तो स्पर्मेटोजेनेसिस नहीं होगा, क्योंकि उनके लिए फेवरेबल टेम्परेचर वहाँ पे उनको नहीं मिलता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं एपिडाइडमिस। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं टेस्टिस के ऊपर ये जो कैप लाइक स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रही है, रेडिश कलर जो मैंने बनाया है इस तरीके से, इसको बोलते हैं एपिडाइडमिस। तो जो एपिडाइडमिस होता है उसका क्या मेन फंक्शन है, तो देखिए जब स्पर्म फॉर्मेशन होता है तो एपिडाइडमिस में टेम्परेरली स्पर्म को स्टोर किया जाता है, ठीक है। तो इसका क्या फंक्शन हुआ, स्टोरेज ऑफ स्पर्म, ठीक है। जो स्पर्म्स हैं उनको टेम्परेरली इनको स्टोर किया जाता है, ठीक है, स्पर्म को स्टोरेज किया जाता है टेम्परेरली। ओके, अब हम देखते हैं एक और ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, ये जो डक्ट है ये ऊपर की तरफ जा रही है, ठीक है, इसी से कनेक्टेड है, इसको हम बोलते हैं वास डिफरेंस। तो ये क्या काम करती है, ये जो स्पर्म फॉर्मेशन होता है यहाँ पे स्टोर होता है तो इसके थ्रू कैरी किए जाते हैं, ठीक है। ये क्या काम करती है, वास डिफरेंस कैरी स्पर्म्स। तो ये जो वास डिफरेंस है ये स्पर्म्स को कैरी करती है। बात करते हैं यहाँ से जो वास डिफरेंस होती है स्पर्म्स को लेके जाती है, ठीक है। यहाँ से ये जो यूरेटर है ये और वास डिफरेंस दोनों ही मिलके एक कॉमन डक्ट बना लेती हैं जिसको हम बोलते हैं यूरेथ्रा। अब देखो जो वास डिफरेंस है वो किसको लेके जाती है, स्पर्म्स को लेके जाती है, ठीक है। और यहाँ पे प्रोस्टेट ग्लैंड एंड एक और ग्लैंड होती है जो आपके सिलेबस में नहीं है, एंड ये सेमिनल वेसिकल्स। तो ये क्या करती हैं, जो सेमिनल वेसिकल होती है ये एक फ्लूइड सिक्रेट करती हैं, फ्लूइड इसके अंदर डाल देती हैं, ये जो कॉमन डक्ट है इसके अंदर, इसको हम बोलते हैं सेमिनल फ्लूइड, ठीक है। ये जो सेमिनल फ्लूइड है ये वास डिफरेंस किसको लेके जा रही है, स्पर्म्स को लेके जा रही है। तो जो स्पर्म्स हैं एंड सेमिनल फ्लूइड
मिलके क्या बनाते हैं, ये दोनों मिलके क्या बनाते हैं, सीमेन। इसको कलेक्टिवली हम बोल देते हैं सीमेन, ठीक है। तो जो स्पर्म्स हैं एंड इनके थ्रू एक लिक्विड सीक्रेट किया जाता है जिसको हम बोलते हैं सेमिनल फ्लूइड। तो जो स्पर्म है एंड सेमिनल फ्लूइड है उसको कलेक्टिवली बोला जाता है सीमेन, ठीक है। तो देखिए ये लिक्विड क्यों डाला जाता है यहाँ पे, ताकि जो स्पर्म है वो मोटाइल हो, उनको एक लिक्विड मीडियम प्रोवाइड किया जाता है एंड इसी से, इस फ्लूइड से ही इनको न्यूट्रिशन मिलता है, ठीक है। न्यूट्रिशन मिलता है ये स्पर्म को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है प्लस लिक्विड मीडियम प्रोवाइड करती है, इट मीन्स वो मोटाइल हो जाते हैं, मोटिलिटी प्रोवाइड करती हैं, ठीक है। ये किसका काम होता है, सेमिनल वेसिकल्स का या फिर जो प्रोस्टेट ग्लैंड है, तो इसके अंदर ये लिक्विड सिक्रेट करती हैं जिसकी वजह से स्पर्म मोटाइल हो जाते हैं, वो अपना मूवमेंट शो करते हैं एंड उनको न्यूट्रिशन भी इसी से मिलता है, ठीक है। तो ये यहाँ पे जो सीमेन है, यहाँ ये जो यूरिथ्रा है इसके थ्रू क्या होता है, जो मेल जेनिटेलिया है, मेल जेनिटेलिया के थ्रू ये बाहर रिलीज कर दी जाते हैं, ठीक है। अब ये जो कॉमन डक्ट बनी है यूरिथ्रा, इसके थ्रू स्पर्म्स भी रिलीज किए जाते हैं एंड यूरिन भी, ठीक है। तो ये जो पाथ है, एक सिंगल पाथ होता है, सिंगल ओपनिंग होती है मेल में, इसके जो मेल जेनिटेलिया होते हैं इसमें ओनली वन ओपनिंग होती है, इसी के थ्रू यूरिन एंड स्पर्म सीमेन दोनों ही सीक्रेट किए जाते हैं, बाहर रिलीज किए जाते हैं, ठीक है। तो ये होता है कंप्लीट मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। एक बार हम जल्दी से इसको रिवाइज कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे ये टेस्टिस होती हैं जो कि बॉडी से बाहर डिसेंट होती हैं, किसके अंदर एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम बोलते हैं स्क्रोटम, ठीक है। यहाँ पे इनका जो टेम्परेचर होता है वो बॉडी टेम्परेचर से 2-3 डिग्री सेल्सियस कम टेम्परेचर होता है, जिसके ऊपर क्या होता है, स्पर्मेटोजेनेसिस होता है। किससे फैसिलिटेटेड होता है ये स्पर्मेटोजेनेसिस, ये होता है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन से, जो कि टेस्टिस में सिक्रेट किया जाता है, टेस्टिस के अंदर सिक्रेशन होता है इसका, इसी की वजह से क्या होता है, स्पर्म फॉर्मेशन होता है, जिसको हम बोलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस, ठीक है। एंड यहाँ पे जो स्पर्म फॉर्मेशन हुआ, इस इन स्पर्म्स को टेम्परेली यहाँ पे एपिडाइडमिस में स्टोर किया जाता है, यहाँ से ये स्पर्म कैरी होते हैं, किसके थ्रू कैरी किए जाते हैं, वास डिफरेंस के थ्रू, एंड यहाँ से एक कॉमन डक्ट बना ली जाती है यूरेटर एंड वास डिफरेंस के थ्रू, जो कि हम उसको बोलते हैं यूरिथ्रा। एंड यहाँ से देखिए प्रोस्टेट ग्लैंड एंड सेमिनल वेसिकल एक फ्लूइड सीक्रेट करती हैं जिसको हम बोलते हैं सेमिनल फ्लूइड। तो ये जो स्पर्म एंड सेमिनल फ्लूइड है उसको कलेक्टिवली हम बोल देते हैं सीमेन। तो ये जो सीमेन है ये भी रिलीज किया जाता है किसके थ्रू, जो मेल जेनिटेलिया होता है, जो एक्सटर्नल जेनिटेलिया होता है उसके थ्रू इसको बाहर रिलीज किया जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से ये होता है कंप्लीट मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अगर आपसे इतना पूछा जाए कि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कौन सा है, तो ये होता है टेस्टिस, ठीक है, यहीं पे स्पर्म, ठीक है। तो अब हम देख लेते हैं कि स्पर्म जो रिलीज हुआ है उसकी स्ट्रक्चर क्या है, ठीक है। तो अब देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म। देखिए कुछ इस तरीके की स्ट्रक्चर होती है स्पर्म की, आप इस डायग्राम में भी देख सकते हैं एंड ये जो पिक्चर है इसमें भी देख सकते हैं कि इसका ये जो पार्ट होता है आगे वाला, इसको हम बोलते हैं हेड वाला रीजन, ठीक है। हेड, ये वाला जो पार्ट है इसको बोलते हैं हम हेड, एंड ये जो पार्ट है इसको बोलते हैं मिडिल पार्ट या फिर मिडिल पीस, एंड ये जो एंड वाला हिस्सा है इसको हम बोलते हैं टेल, ठीक है। ये है हेड ऑफ स्पर्म, मिडिल पार्ट ऑफ स्पर्म एंड दिस इज टेल ऑफ स्पर्म। तो अब देखिए ये इसका जो आगे वाली स्ट्रक्चर है, इस तरीके की जो मैंने ड्रॉ की है, इसको हम बोलते हैं एक्रोसोम। तो ये जो एक्रोसोम होता है ये एक लाइजिंग एंजाइम को, लाइजिंग एंजाइम को सिक्रेट करता है, जो किसमें है। तो ये जो लाइजिंग एंजाइम है ये हेल्प करता है स्पर्म की
लाइज करने के लिए, जो ओवम की जो मेम्ब्रेन होती है उसको लाइज करने में ये हेल्प करता है। ठीक है, तो ये होता है एक्रोसोम। यहाँ पे कुछ एंजाइम होते हैं जो कि इसके अंदर ये किसके अंदर ओवम के अंदर ये डाल देता है, जो एग होता है उसको, जो मेम्ब्रेन होती है उसको ब्रेक करता है, लाइज करता है, उसके अंदर ये सभी डाल देता है। ये क्या है, साइटोप्लाज्म है एंड ये न्यूक्लियस है। ठीक है, अब इसका जो मिडिल वाला पार्ट है इसके अंदर क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया, जो कि किसमें हेल्प करता है, एनर्जी प्रोवाइड करता है स्पर्म को। ठीक है, प्रोवाइड एनर्जी। ठीक है, ये किसमें हेल्प करता है, एनर्जी प्रोवाइड करता है स्पर्म को। तो देखिए, एंड ये जो टेल वाला पार्ट है ये क्या करता है, लैशिंग मूवमेंट शो करता है। ठीक है, लैशिंग मूवमेंट शो करता है, इट मींस जो स्पर्म है उसको मोटाइल बनाता है। ठीक है, तो ये होता है कंप्लीट स्पर्म का डायग्राम। आप इस पिक्चर को भी अच्छे से देख लीजिए डायग्राम। तो ये जो स्पर्म होता है एंड सेमिनल फ्लूइड, इन दोनों के मिल जाने से क्या बन जाता है, सेमेन बन जाता है। ठीक है, तो जो सेमेन होता है वो मेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया के थ्रू रिलीज कर दिया जाता है फीमेल वेजाइनल ट्रैक के अंदर। ठीक है, ड्यूरिंग कॉपुलेशन। तो जो रिलीज होता है सेमेन उसको हम बोल देते हैं इंसेमिनेशन, कि स्पर्म का या फिर जो सेमेन है उसका वेजाइनल ट्रैक के अंदर रिलीज कर देना वो होता है इंसेमिनेशन। ठीक है, तो इसको हम आगे देखेंगे कि वहाँ से ये जो स्पर्म है, जो सेमेन है, वो किस तरीके से मूवमेंट करता हुआ ओवम के पास चला जाता है एंड ओवम के वहाँ पे जाने से उनके बीच फर्टिलाइजेशन हो, उनका फ्यूज़न हो जाता है। ठीक है, तो इसके लिए जो फ्यूज़न होगा, जो फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होगी वो कहाँ पे होती है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। तो इसके आगे की जो प्रोसेस है वो हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में स्टडी करेंगे। तो हमें पढ़ना होगा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड उसके बाद हम देखेंगे फर्टिलाइजेशन कैसे होता है उस ओम का या फिर उस एग का। तो ये हम नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे। ठीक है, तो आज का जो हमारा वीडियो है वो यहीं पे फिनिश होता है। आई होप आपकी हेल्प हुई हो इस वीडियो से। तो अगर आपकी हेल्प हुई है तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, स्टडी विद मी चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए एंड जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम स्टडी करेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड फर्टिलाइजेशन कैसे होता है।